तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और ये इंडिकेटर आपको काफी करेक्ट सिग्नल देगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक कंफर्मेशन के लिए एक और इंडिकेटर बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और मोर रनिंग वीडियो के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चलता हूं मैं आपको अपने चार्ट स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अपने चार्ट स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 5 मिनट का चार्ट फ्रेम यहाँ पर लगा देना है, उसके बाद आपको चले जाना है इंडिकेटर में और यहाँ पर आपको सर्च करना है कैंडलियर एग्जिट। आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च कैंडलियर कैंडलियर एग्जिट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि एवरगेट यहाँ पर इन्होंने इसको बनाया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंडिकेटर दिखता है, कुछ इस तरह से ये जो है बाय और सेल सिग्नल देता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी सेटिंग चेंज करनी है। क्या सेटिंग चेंज करनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है स्टाइल में, यहाँ से आपको लॉन्ग स्टॉप हटा देना है, उसके बाद आपको लॉन्ग स्टॉप स्टार्ट हटा देना है, बाय लेवल आपको रहने देना है, इसको नहीं हटाना है। उसके बाद आपको शॉर्ट स्टॉप इसको हटा देना है, शॉर्ट स्टॉप स्टार्ट इसको हटा देना है, सेल लेवल आपको रहने देना है। उसके बाद आपको जो जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं सारे हटा देने हैं, इनको छोड़कर, यहाँ नीचे दो है ना, इनको छोड़कर आपको सारे हटा देना है, सिर्फ सेल लेवल और बाय लेवल को छोड़कर। उसके बाद आपको जो आ जाना है इनपुट पर, इनपुट से आपको यहाँ पर जो यूज क्लोज प्राइस एस्ट्रीमम्स यहाँ पर दिख रहा होगा आपको दूसरे नंबर पर जिस पर टिक हो रखा है, इसको आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद आपको कर देना है इसको ओके। यहाँ पर आप जैसे कुछ इस तरह से जो है ये सिग्नल देता है, तो इसको बिना कन्फर्म अगर आप इसको ऐसे ही यूज करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। ऐसे मैंने खुद ट्रेड कर रखा है, काफी बार मैंने इसमें जो है प्रॉफिट कर रखा है, मतलब एक्यूरेसी इसकी काफी बेस्ट है। और अगर आपको एक्स्ट्रा जो है कन्फर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको एक और इंडिकेटर बता देता हूँ जिसका नाम है RSI। तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है RSI, यहाँ पर आपको सर्च कर देना RSI। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है दो बार। क्यों सेलेक्ट करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसको कर देना है कट। सबसे पहले वाले RSI की आपको सेटिंग में चले जाना है और यहाँ से आपको जो इसकी RSI लेंथ है इसको कर देना है 100। RSI लेंथ को आपको कर देना है 100। उसके बाद आपको आ जाना है स्टाइल में और यहाँ से आप क्या है RSI बेस्ड MA यहाँ से हटा देना है, आपको जो RSI बेस्ड MA है इसको हटा देना है। उसके बाद आपको आ जाना है RSI पर, यहाँ पर आपको इसका कलर चेंज कर देना है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका कलर ब्लैक रख रहा हूँ और जो इसकी थिकनेस है वो भी आप यहाँ पर आपको थोड़ा जरा बढ़ा देता हूँ। और उसके बाद आपको कर देना है ओके। उसके बाद आपको जाना है दूसरे की RSI की सेटिंग पर। इसके बाद आपको यहाँ से भी RSI बेस्ड MA हटा देना है और RSI की कोई भी कलर आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड रख रहा हूँ और इसकी जो थिकनेस है वो मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आ जाना है इनपुट में। इनपुट में जो RSI लेंथ आपको यहाँ पर दिख रही है 14 है, इसको आपको 14 से हटाकर यहाँ पर आपको 25 कर देनी है। लेंथ आपको कर देनी है 25, उसके बाद आपको कर देना है ओके। इसके बाद आपको इन दोनों RSI में क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको इन दोनों को मर्ज कर देना है आपस में। मर्ज कैसे करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर RSI पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 डॉट, यहाँ पर आपको 3 डॉट यहाँ इस जगह पर दिखेगा, इस जगह पर आपको 3 डॉट दिखेगा। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 3 डॉट, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूव टू पे यहाँ पर आपको जो अपना कर्सर है वहाँ ला देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एग्जिटिंग पैनल बिलो पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसको मर्ज करने के बाद यहाँ पर RSI के वापस आपको RSI पर क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पर फर्स्ट RSI है इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट में वापस से जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिन टू स्केल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है पिन टू स्केल यहाँ पर A रहेगा, इसको आपको कर देना है Z पे आपको कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर दूसरे की भी यहाँ पर जो है दूसरा इंडिकेटर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट पे जाएंगे, पिन टू स्केल आपको यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर आपको Z कर देना है। मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली Z है। उसके बाद आपको क्या देखना है इसमें, जहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिल रहा था, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिला। तो यहाँ RSI में आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, RSI में आपको देखना है कि जहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिलेगा वहाँ पर जो आपके रेड लाइन है वो ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ काटे, ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ काटे, तब आप यहाँ पर कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जा सकता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है RSI ने जो हमारा फर्स्ट RSI उसने सेकंड RSI को नीचे की तरफ काटा है, मतलब कि रेड लाइन ने ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ काटा है। तो यहाँ पर हम कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जा सकता है। यहाँ पर आपको सेल साइड का सिग्नल मिला, यहाँ पर आपको सेल साइड का सिग्नल मिला, ठीक है। और आपको RSI में क्या देखना है, जो आपके रेड लाइन है वो ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ काटे, RSI ने
ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ काटा है, मतलब जो हमारी रेड लाइन है उसने ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ काटा है, तो यहाँ पर हम कन्फर्म हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पर डाउन का मूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर आपको बाय सिग्नल मिला, यहाँ पर आपको जो है बाय सिग्नल मिला। यहाँ पर आपको क्या देखना है, जो हमारी RSI की रेड लाइन है वो हमारी जो ब्लैक लाइन को है वो ऊपर की तरफ काटे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है बाय सिग्नल मिला और यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI ने जो है ब्लैक लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, ऊपर की तरफ काटा है। तो यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन जो है फुलफिल हो रही थी, तो यहाँ पर हम जो है बाय साइड का ट्रेड ले सकते थे। आपको यहाँ पर कितना अच्छा जो है मूवमेंट देखने को मिल जाता। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से जो है हमारी स्ट्रेटजी काम करती है। आप इस पर काफ़ी बैक टेस्ट कीजिए और इस स्ट्रेटजी पे अगर आप परफेक्ट बन जाओगे तो आप इस स्ट्रेटजी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और ऐसी लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी और लर्निंग वीडियो इसी चैनल पर लाने वाला हूं, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं ऐसी किसी और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।